स्कूल प्रशासन के द्वारा की जा रही अवैध वसूली कर न्यूज दिखाने पर प्रधानाचार्य और इसके बेटे के द्वारा संवाददाता को मिली जान से मारने की धमकी। खबर कुशीनगर से। पुलिस जिला कुशीनगर के विकासखंड दूदही के अंतर्गत ग्राम सभा गौरी जगदीश में संचालित किसान इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य ने संवाददाता राम प्रवेश यादव को जान से मारने की धमकी दिया, जहाँ एक तरफ देश का उच्चतम न्यायालय और माननीय प्रधानमंत्री अपनी जनसभाओं में से चौथे स्तंभ के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, वहीं समाज के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा दी जा रही धमकी शर्मसार कर देने वाली घटना है। आपको बता दें, किसान इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य सुभाष राय 10वीं क्लास के बच्चों को अगली क्लास में कक्षा में प्रमोट करने के नाम पर 4000 प्रत्येक बच्चों से रुपए ले रहे हैं, जिसका ऑडियो और वीडियो पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसके बाद खबर 7C के रिपोर्टर राम प्रवेश यादव के द्वारा खबर को प्राथमिकता से दिखाया गया था। खबर प्रकाशित होने के बाद सेवरही थाना में संवाददाता और छात्रों के खिलाफ स्कूल प्रशासन के द्वारा तहरीर भी दिया गया। तहरीर में बताया गया कि संवाददाता और छात्रों के द्वारा स्कूल प्रशासन से 50,000 रुपये मांगा जा रहा है। मामला यहाँ तक ही नहीं थमा। अब प्रधानाचार्य सुभाष राय और उनके सुपुत्र आदित्य राय के द्वारा संवाददाता राम प्रवेश यादव को धमकी मिली है कि अगर किसी भी वरीय पदाधिकारी के द्वारा स्कूल प्रशासन को नुकसान पहुँचता है तो आपको जान से मार दिया जाएगा। इस घटना को लोकतंत्र को शर्मसार करती है। इंडिया समाचार से ये थी हमारे संवाददाता कुशीनगर से संजय कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। ये लोग यह भी बोल रहे हैं कि फीस नहीं दोगे तो प्रमोट नहीं करेंगे, फेल कर देंगे। एक एक कॉपी दे रहे हैं, घर लेकर लाओ तो पास करेंगे। ठीक है, जाओ वीडियो बना रहे हो ना? हाँ ठीक है, बनाओ जाओ। हाँ वीडियो कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं सर। ठीक है जाओ, पैसा लड़के दिए हैं सर। कितना पैसा दिया तुम? 5.5 लाख। अब से कहाँ गए? कितना पैसा? अब से पैसा दिया है, अब से पैसा दिया है, पैसा दिया है। ग्लाव से पूछो एक्स्ट्रा पैसा कौन लिया है, उससे एक्स्ट्रा पैसा मांगा गया है कि फीस जो बाकी है वो दिया है। तो आप दे रहे हैं, एक प्रश्न पेपर दे रहे हैं, बोल रहे हैं घर से नहीं कर रहा हूँ, उससे पूछो तो फीस दिया है। ये हमारे गांव का स्कूल है। हाँ धमकी भी दे रहे हैं और ये भी दिए हैं कि घर ले जाकर इसको प्रमोट करने के लिए। अच्छा, ये भी सब वो लोग दिए हैं, ये कॉपी दिए हैं कि ये लिख के देंगे तभी आपको पास किया जाएगा। और इसके लिए पैसा कितना मांग रहे हैं? 4,000 रुपया ले रहे हैं प्रत्येक विद्यार्थी से। जी जी, आप लोग जमा किए हैं? जी। अच्छा। और ये ऐसा कुछ बता रहे थे YouTube पे, आप पढ़े लिखे हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ाई हुआ क्या? कह रहे हैं कि यहाँ पे तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हुआ है, वो लोग कह रहे हैं कि तुम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़े हो, वो दूसरा बात फीस के लिए YouTube पर पढ़े हैं उसके लिए फीस मांग रहे हैं। कोई YouTube पे भी यहाँ कोई यूट्यूबर नहीं ऑनलाइन पढ़ाई होती है? यहाँ पर कोई नहीं ऑनलाइन नहीं पढ़ाई होती, लेकिन आपसे फीस उसका लिया जा रहा है? उसका फीस वो लोग मांग रहे हैं, लेकिन प्रमोट करने के लिए अलग से 4,000 रुपये मांग रहे हैं। चार प्रमोट करने के नाम पर आपसे पैसा वसूला जा रहा है? और ये आपने यह नहीं बताया है उनको कि कोरोना महामारी में सर खाने को नहीं है तो 4,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? उनसे एक बार नहीं, 2-3 बार बोले हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम लोग पैसा, तुम लोग से हम किसी भी हालत में लेकर जबरन पैसा मांगा जा रहा है, जबरन पैसा मांगा जा रहा है। नहीं देने पे क्या धमकी दी जा रही? फेल कर देंगे, तुम्हारा रिजल्ट नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं कराएंगे, पेपर नहीं भेजेंगे। और यही यहाँ के प्रधानाचार्य सुभाष राय जी ने कहा है? जी सुभाष राय जी ने बोला है। और वो सरस्वती पूजा का जो चंदा लगता है वो जो बच्चे नहीं दिए हैं वो फीस में जोड़ कर वो लोग लिए हैं, पूजा के नाम पे फीस में जोड़ के लिया जा रहा है। फीस में भी जोड़ के लिया जोड़े हैं, फीस के लिए 50 रुपए 100 रुपए ऐसे ऐसे कर जितने जिसके हिसाब। अच्छा ये बताइए, वो स्कूल पे जब अपने सीट पे बैठते हैं तो कैसे पेश आते हैं? वो बदतमीजी से थोड़ा पेश आते हैं। वो तो प्रधानाचार्य यहाँ पे नहीं रहते हैं, उनके बेटा एक है वो रहता है यहाँ पे। कैसे पेश कैसे आते हैं थोड़ा बताइए, क्या पेश कैसे आते हैं? हम लोग सुने हैं कि फेसबुक पे जो वायरल हुआ है वीडियो, उसमें अर्ध नग्न बैठे हैं। जी वो ऐसे ही बैठते हैं, उसमें छात्र छात्राएं दोनों पढ़ने आते हैं? जी दोनों आते हैं और उन लोगों के सामने ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही बैठते हैं। क्या आप लोगों इसका विरोध नहीं किए हैं कभी? किए हैं, बोलते हैं तो बोलते हैं, तुम लोगों का करना है उससे। अच्छा, हम जिससे मर्जी चाहे वैसे रहे। हम चेयर पे बैठे हैं, वो कौन है यहाँ पे? यहाँ पे तो पढ़ाते हैं प्रिंसिपल के लड़के हैं, लेकिन प्रिंसिपल सर वहाँ पे नहीं बैठते हैं, सब कार्रवाई वही करते हैं, उनके बेटे हैं, वही जो भी बोलना होता है वो बोलते हैं, नियम वही लागू करते हैं, प्रिंसिपल साहब नहीं कुछ भी बोलते हैं। और वो जो प्रिंसिपल साहब कहते हैं वही आकर वो बोलता है। आज उनको सूचना दिया गया था ना, ये उनको सूचना दिया गया था आज की मीडिया टीम आ रही है। हाँ जी, तो आज वो आए नहीं है क्या? नहीं आए तो नहीं है, स्कूल बंद के चले गए हैं, स्कूल बंद है। अच्छा, ताला लगा हुआ है स्कूल में? ताला लगा हुआ है। पर रोज आते हैं क्या? जी रोज आते हैं, हर रोज। आज
कितना 15 दिन से स्कूल का गेट खुलता है, आज गेट नहीं खुला है। आइए कुछ गांव के संभ्रांत लोगों से जाना जाए, वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? बबलू अंसारी, मैं युवा जन अधिकार परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं युवा ये जितने भी छात्र हैं मैं इनका साथ और समर्थन करता हूँ, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का ऐसा महामारी चल रहा है, ऐसा दौर चल रहा है कि लॉकडाउन के कारण लोग